नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के धनबाद राजपुरा कोलियरी में दीनदहाड़े अपराधियों ने किया गार्ड पर हमला। गंभीर अवस्था में सक्तोरिया रेफर, मजदूरों ने सुरक्षा की मांग को लेकर किया उत्पादन ठप। राजपुरा कोलियरी में सोमवार की दोपहर करीब 2 बजे सुरक्षा में लगे गार्ड सुनील सिंह को 10-12 की संख्या में पहुंचे अपराधियों ने हमला कर दिया। हमले में सुनील सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। हमला की सूचना पर जब तक मजदूर वहां पहुंचते, सभी अपराधी फरार हो गए थे। मजदूरों ने सुनील सिंह को रीजनल हॉस्पिटल ले गए, जहां उनकी स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए सक्तोरिया हॉस्पिटल रेफर कर दिया। वहीं घटना के बाद आक्रोशित मजदूरों ने सुरक्षा की मांग को लेकर उत्पादन ठप कर दिया। वहीं मजदूरों का नेतृत्व कर रहे बीसीकेयू राजपुरा कोलियरी के सचिव खोखन रविदास ने बताया कि कंपनी मजदूरों को सुरक्षा नहीं दे रही, सिर्फ उत्पादन करवा रही है। दिन दहाड़े एक गार्ड पर अपराधियों द्वारा हमला किया जाना प्रबंधक एवं स्थानीय प्रशासन की कार्यशैली पर सवालिया निशान उठा रहा है। जब तक कंपनी एवं प्रशासन मजदूरों की सुरक्षा का इंतजाम नहीं कर लेती, मजदूर काम पर नहीं लौटेंगे। इधर राजपुरा कोलियरी के एजेंट श्री खान ने बताया कि सुरक्षा की कमी के कारण काफी परेशानी हो रही है। इस संबंध में गलफरबाड़ी पुलिस से शिकायत की जाएगी। मजदूरों की सुरक्षा हम सभी की प्राथमिकता है। धनबाद जिला ब्यूरो पप्पू केवट की रिपोर्ट। नाम है सुनील सिंह, सिक्योरिटी गार्ड है। हम लोग ECL राजपुरा कोलियरी का सिक्योरिटी गार्ड है। वो हाजिरी बना के अपना चेक चेक करने जा रहे थे। पूरा अपना चार्ज हैंड ओवर टेक ओवर होता है, लोग टेक ओवर हैंड ओवर करने जा रहे थे। तब तक 15-20-25 का घर पर आके पूरा एको चार तरफ से घेर लिया। घेर के पूरा एकदम ढेला पत्थर, हाथ पैर लाठी, जितना जो जिससे जो हुआ उससे उसको मार के एकदम पूरा बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया। अभी हम लोग उसका फास्ट ट्रीटमेंट करके अभी सक्तोरिया रेफर करा गया। थाना भी हम लोग गए थे, थाना में भी कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई नहीं था, कोई स्टाफ नहीं था। अभी हम लोग फिर राजपुरा कोलियरी को आके बंद किए हुए हैं। लगातार इस तरह राजपुरा कोलियरी में आए दिन ये घटना के आम बात हो गई है, तो इसमें कहाँ चूक मान रहे हैं? ये चूक है मैनेजमेंट का सर। मैनेजमेंट हम लोग बहुत लापरवाही कर रहा है। मैनेजमेंट हमको कोई साथ नहीं दे रहा है, ना प्रशासन साथ दे रहा है, ना मैनेजमेंट साथ दे रहा है। इसे चलते आए दिन इस तरह ये घटना घट रहा है। हम लोग अब ड्यूटी करना मुश्किल हो जा रहा है। वर्कर का एकदम भय, भीतर में भय हो गया जी, हम लोग ड्यूटी कैसे करेंगे। तो भाई देखिए, अब एरिया सिक्योरिटी हमारा और ये थाना, तो वहाँ भी हम लोग गए थे, तो थाना बाबू अभी स्टैंड ग्राउंड में आए आएंगे तो बात हो गई। सर इस तरह लगातार घटना पिछला बार भी हुआ था, क्या करें हम लोग, चोर को क्या कर सकते हैं? जब आपके पास पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था है तो फिर ये चूक कहाँ हो रही है? पर्याप्त कहाँ है मेरे पास, मेरा कोलियरी में नहीं है, एरिया लेवल पर है। वो राउंड देता है और उसके बाद फिर चला जाता है, तो उसी बीच में अटैक करता है, यही दिक्कत है। तो अभी क्या कार्रवाई करेंगे सर? अभी तो आपके पास कार्रवाई FIR करेंगे, नोन कीजिए या नोन अज्ञात पर होगी क्या? नाम तो कोई बता नहीं रहा है। पेशेंट भी जो है वो बोला कि पहचान रहे हैं लेकिन नाम नहीं जानते। कितने के संख्या में लोग थे? दस लोग थे। उसके बाद जेल नहीं आने, यही नोटा है। अच्छा, क्या हथियार लिए हुए थे? नहीं। पत्थर पटक दिया है पैर पे? अच्छा, पैर पे पत्थर से वार किया है। क्या चीज के लिए आया था? सभी को भी मुंह ढके हुए थे या खुले हुए थे? मुंह खुले हुए।